हे दोस्तों, अगर आप एक अध्यापक हैं और आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिए सारे के सारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगर आप एक डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास दुगना हो जाएगा। अगर आप एक गृहिणी हैं तो मुस्कुराते हुए घर का काम कीजिए, फिर देखना पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। अगर आप घर के मुखिया हैं तो मुस्कुराते हुए शाम को घर में घुसो तो देखना परिवार की खुशियों का माहौल बन जाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप खुश होकर अपनी कंपनी में घुसिए, देखे सारे कर्मचारियों का मन का प्रेशर कम हो जाएगा और माहौल खुशनुमा हो जाएगा। अगर आप एक दुकानदार हैं और मुस्कुराकर अपने ग्राहक का सम्मान करेंगे तो ग्राहक भी खुश होकर आपकी दुकान से ही सामान लेगा। कभी सड़क पर चलते हुए अनजान आदमी को देखकर मुस्कुराइए और देखिए उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। दोस्तों, यही जीवन है। एक बहुत ही अमीर औरत एक मनोचिकित्सक के पास गई और वहां जाकर बोली कि डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार हो गया है, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका कारण क्या है? क्या आप मेरी खुशियां ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? मनोचिकित्सक ने ऊपर से नीचे तक उस अमीर महिला को देखा और फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने दूर बैठी हुई बूढ़ी औरत को बुलाया जो वहां साफ सफाई का काम करती थी। उसने उस अमीर औरत से बोला, मैं इस बूढ़ी औरत से तुम्हें यह बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे उसने अपने जीवन में खुशियां ढूंढी। मैं चाहता हूं कि आप उसको गौर से सुने। तब उस बूढ़ी औरत ने अपने झाड़ू नीचे रखी और कुर्सी पर बैठ गई और बताने लगी कि मेरे पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई थी, उसके 3 महीने बाद मेरे बेटे की मृत्यु हो गई थी, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, मेरे पास कोई नहीं था, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा था, मैं सो नहीं पाती थी, मैं खा नहीं पाती थी, मैंने मुस्कुराना बंद कर दिया था, मैं अपने खुद के जीवन को समाप्त करने की तरकीबें सोचने लगी थी। तभी एक दिन एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया। जब मैं काम से घर जा रही थी, बाहर बहुत ठंड थी इसलिए मैंने उस बच्चे को अंदर आने दिया। उस बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़े दूध का भी इंतजाम किया और वह सारी प्लेट सफाचट कर गया, फिर मेरे पैरों से लिपट गया और मुझे चाटने लगा। उस दिन मैं बहुत महीनों के बाद मुस्कुराई थी। तब मैंने सोचा कि यदि मैं इस बिल्ली के बच्चे की सहायता करने से मुझे इतनी खुशी मिल सकती है तो हो सकता है कि दूसरों के लिए कुछ करने से मुझे खुशी मिले। इसलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी के पास गई। मैंने देखा कि वो बहुत बीमार थे तो मैं उनके लिए कुछ बिस्किट्स बनाकर ले गई। हर दिन मैं कुछ ऐसा करने लगी, कुछ ऐसा नया करने लगी जिससे दूसरों को खुशी मिले और उन्हें खुश देखकर मुझे खुशी मिलती थी। आज मैंने खुशियां ढूंढी हैं दूसरों की खुशी देखकर। इतना सुनकर वो अमीर औरत रोने लगी। उसके पास वह सब कुछ था जो उसने पैसों से खरीद सकती थी, लेकिन उसने वह चीज खो दी थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, और दोस्तों वो चीज है मुस्कुराहट। हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि लोग कितने खुश हैं हमारी वजह से। दोस्तों, मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते, ये तो खुशी और संपन्नता की पहचान है। दोस्तों, मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चेहरों पर मुस्कान ला सकती है। दोस्तों, मुस्कुराइए, क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मुस्कुराइए, क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुराकर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। मुस्कुराइए, क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति खिले फूलों और खिले चेहरों को पसंद करता है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है। मुस्कुराइए, क्योंकि परिवार के रिश्ते तभी तक कायम रह पाते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। मुस्कुराइए, क्योंकि यह मनुष्य होने की पहचान है। एक पशु कभी भी मुस्कुरा नहीं सकता, इसलिए स्वयं भी मुस्कुराइए और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, यही जीवन है और यही आनंद है। आज के लिए बस इतना ही। मुस्कुराइए, और मुस्कुराते हुए मेरे इस चैनल फिट फॉर हिट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक भी कीजिए, हो सके तो इसको शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।